हेलो एवरीवन, लेट अस व्हिच इज कॉमनली नोन एज एआरआर। इट इज बेसिकली अ सेकंड टेक्निक ऑफ कैपिटल बस्टिंग। आपने पहले वाली वीडियो में देखा होगा, हमने पे बैक पीरियड डिस्कस किया था और उसको हम एक्सेल पे कैसे कैलकुलेट करते हैं वो मैंने आपको उस वीडियो में सिखाया था। तो इस वीडियो में हम लोग सेकेंड टेक्निक यूज कर रहे हैं, दैट इज अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। अगेन, ये थोड़ा सा अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट होता है जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में यूज होता है। और आपको पता है कि पे बैक पीरियड और एआरआर, ये दोनों टेक्निक ऐसे हैं जिसके अंदर टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट यूज नहीं होता। तो ये बेसिकली थ्योरेटिकल बेस है और फॉर्मूला बेस है। तो देखिए, एआरआर हम कैसे निकालते हैं, इसका फॉर्मूला मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है आपके लिए। एआरआर इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस अपॉन एवरेज इन्वेस्टमेंट इंटू 100। अब हमें सिर्फ फॉर्मूला डाल के वैल्यू ही निकालनी है इस केस में। तो अभी मैं पहले क्वेश्चन रीड करके आपको इसका बेसिक स्ट्रक्चर बताता हूँ, फिर फॉर्मूला क्या होगा। क्योंकि मैंने ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस अपॉन एवरेज इन्वेस्टमेंट, और उन दोनों के फॉर्मूले मैंने यहाँ पर आपको लिख के दिखाया हुआ है। एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है और एवरेज इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला क्या होता है। तो सबसे पहले हम हमें जो क्वेश्चन में चीजें गिवन है हम वो एक कॉपी डाउन करते हैं ताकि हम उसको फिर बाद में सेलेक्ट कर सकें। तो लेट अस रीड आउट द क्वेश्चन। क्वेश्चन से एबीसी लिमिटेड इज प्लानिंग टू परचेज अ मशीन कॉस्टिंग ₹60,000, हैविंग अ सैलवेज वैल्यू ऑफ ₹8,000। द इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द मशीन इज 5 ईयर एंड इट इज लाइकली टू गिव द फॉलोइंग रेट अर्निंग आफ्टर टैक्स। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हमें गिवन है। तो अब लेट अस सी, सबसे पहले लेट मी राइट डाउन व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ द मशीन। तो कॉस्ट हमें यहाँ देखिए लिखा हुआ है 60,000, तो आई विल राइट हियर 60,000। आपको पहले इंफॉर्मेशन कॉपी करनी पड़ेगी बिकॉज हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा टाइप को। फिर स्क्रैप वैल्यू कह लीजिए या सैलवेज वैल्यू कह लीजिए, ये हमें गिवन है 8,000। एंड नंबर ऑफ ईयर्स हमें गिवन है 5 ईयर, मतलब इस मशीन की लाइफ 5 ईयर। ठीक है, हम यहाँ पर 5 लिख दिया, ईयर्स वगैरह नहीं लिखेंगे बिकॉज क्योंकि जब सेल सेलेक्ट करते हैं तो वहां पर अल्फाबेट नहीं होना चाहिए। तो अब देखिए फॉर्मूला क्या है, एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस अपॉन एवरेज इन्वेस्टमेंट इनटू 100। तो सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला देखिए क्या होगा। टोटल प्रॉफिट, बेसिकली टोटल प्रॉफिट कौन से होंगे, टोटल प्रॉफिट्स आफ्टर टैक्सेस, तो दिस वुड बी आफ्टर टैक्सेस होंगी। तो ये हमें गिवन है। सबसे पहले हम सेल बना लेते हैं, यहाँ पे ईयर टेबल बना लेते हैं, 1, 2, 3, 4 एंड 5, ये डेटा हमें गिवन है। लेट से मैं तो शॉर्ट फॉर्म में पैट लिख रहा हूँ, पैट मीन प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस। तो ये वैल्यू हमें कितना गिवन है, 6,000, 7,000, 5,000। ये 5 साल तक मशीन हमें इतने रिटर्न देगी। तो ये हमने कॉपी कर ली, दिस हैज बिन कॉपीड। तो एवरेज प्रॉफिट कैसे आएगा, टोटल प्रॉफिट। तो टोटल प्रॉफिट मतलब मुझे सबको ऐड करना पड़ेगा प्रॉफिट्स को। तो हम क्या करेंगे, इक्वल टू सम का फॉर्मूला लगाएंगे और इसको यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे अप टू 8,000 एंड विल प्रेस एंटर। तो आप देख सकते हैं हमारा जो टोटल प्रॉफिट 5 साल का कितना आ गया, दैट इज ₹32,000। और प्रेजेंटेशन के लिए आप यहाँ से टेबल क्लिक करेंगे, ऑल बॉर्डर्स करके सेलेक्ट करके ये हमारा टेबल बन गया। क्योंकि जब प्रैक्टिस करते हैं तो इन चीजों के मार्क्स टीचर जनरली चेक करता है। तो फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस अपॉन एवरेज इन्वेस्टमेंट। तो एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या था, टोटल प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस अपॉन नंबर ऑफ इयर्स। तब कैसे करेंगे, इक्वल टू हाउ मच इज द टोटल प्रॉफिट, ये हमने निकाला टोटल प्रॉफिट 5 ईयर्स का 32,000, इसको सेलेक्ट कर लिया। डिवाइडेड बाय क्या है, नंबर ऑफ इयर्स। तो नंबर ऑफ इयर्स कितने हैं, ये रहे 5, तो डिवाइड बाय 5 एंटर करा, तो हमारा एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया, दैट इज 6,400। ये हमारा आंसर आ गया। ये कैसे निकाला हमने, इक्वल टू अगोर लगाना है, टोटल प्रॉफिट ये रहे टोटल प्रॉफिट 32,000, इसको सेलेक्ट किया, डिवाइड बाय नंबर ऑफ इयर्स। इसीलिए ये इंफॉर्मेशन मैंने ऐसे यहाँ पर लिखी थी, हमने एंटर प्रेस किया तो हमें एवरेज प्रॉफिट मिल गया, दैट इज 6,400। आई होप एवरेज प्रॉफिट आपको समझ में आया। अब एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस हमें मिल गए, अब हमें चाहिए एवरेज इन्वेस्टमेंट। तो एवरेज इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला देखिए क्या है, टोटल इन्वेस्टमेंट जैसे हम अकाउंट में करते थे कि हम मशीन लेकर आए हैं तो
मशीन हमें पड़ी लेट से 60,000 की, जिसमें से 8,000 स्क्रैप वैल्यू। स्क्रैप वैल्यू मतलब जब मशीन की लाइफ खत्म हो जाएगी तो हम उस मशीन को बेच सकते हैं 8,000 रुपीज में एज अ स्क्रैप। स्क्रैप का मतलब आपको पता है, तो जैसे कई बार कहते हैं कि कबाड़ी के भाव में, या जब मशीन की लाइफ खत्म हो जाती है तो ये मशीन किस रेट पे बिक जाएगी, तो एवरेज इन्वेस्टमेंट इससे निकलेगी। तो लेट अस सी अगेन, विल पुट हियर फॉर्मूला इक्वल्स टू, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग फॉर्मूला आप देखिएगा। लेट से ब्रैकेट में विल राइट डाउन कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट 60,000 माइनस स्क्रैप वैल्यू 8,000, ब्रैकेट क्लोज, डिवाइड बाय टू। देखिए वैसे एवरेज इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, इन्वेस्टमेंट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन टू। लेकिन यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर इसने दोबारा स्क्रैप वैल्यू को ऐड किया है। इसका लॉजिक मैं अभी आपको समझाता हूँ। प्लस मैंने दोबारा प्लस लिख दिया और स्क्रैप वैल्यू को ऐड कर दिया, एंटर प्रेस कर दिया, तो हमारी एवरेज इन्वेस्टमेंट वो कितनी शो कर रहा है, 34,000। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, कैसे एवरेज इन्वेस्टमेंट कैसे निकलेगा। टोटल इन्वेस्टमेंट भाई मेरी 60,000 की इन्वेस्टमेंट थी, जिसमें से स्क्रैप वैल्यू मतलब जब मैं मशीन बेचूंगा तो 8,000 रुपीज को मुझे जब मिल जाएंगे, तो मेरी नेट इन्वेस्टमेंट कितने की हुई इसका मतलब 52,000। तो डिवाइड बाय टू करा, क्योंकि हमें ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चाहिए, तो एवरेज का मतलब इन्वेस्टमेंट के लिए इसमें टू से डिवाइड करेंगे, हम फाइव से डिवाइड नहीं करेंगे। फाइव से डिवाइड हम कहाँ करेंगे, सिर्फ प्रॉफिट के केस में। चलिए यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, इन्वेस्टमेंट में से स्क्रैप वैल्यू माइनस की, डिवाइड बाय टू किया। लेकिन ये दोबारा स्क्रैप वैल्यू इसने इसलिए ऐड की क्योंकि अब अगर हम 5 साल की बात करें तो 5 साल तक हमारी स्क्रैप वैल्यू ब्लॉक रहेगी। ब्लॉक मतलब जो मशीन की लाइफ है वो 5 साल के बाद ही बिकेगी 8,000 रुपीज की। तो अल्टीमेटली ये पैसा हमारा ब्लॉक हो गया ना, इसीलिए हमने दोबारा इस स्क्रैप वैल्यू को बाद में क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो प्लीज रिमेम्बर, एवरेज इन्वेस्टमेंट का बेसिकली मतलब क्या होता है, टोटल इन्वेस्टमेंट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय टू। ये नॉर्मल पॉइंट था, लेकिन कई बार एग्जामिनर आपसे ये पूछ देता है वायवा में, और आपको कॉन्सेप्चुअल भी पता होना चाहिए कि दोबारा स्क्रैप वैल्यू क्यों ऐड हुई, क्योंकि आपने यहाँ पर माइनस कर दिया कि भाई आप कहते हो कि 60,000 की मशीन थी, 8,000 तो मुझे मिल जाएंगे, तो मेरी नेट इन्वेस्टमेंट कितने की होगी, 52,000 की। लेकिन वो कहता है कि स्क्रैप वैल्यू लेकिन आपको अभी थोड़ी ना मिल रही है, वो मिलेगी कब, मशीन की लाइफ के एंड के बाद। तो इसीलिए आपको इसमें डायरेक्टली स्क्रैप वैल्यू लास्ट में क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो मैंने क्या करा, इक्वल टू लगाया, ब्रैकेट डाला, टोटल इन्वेस्टमेंट। मैं दोबारा निकाल के दिखाता हूँ आपको ये वाला, क्योंकि कई बार हम इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। इक्वल टू फॉर्मूला देखिए क्या है, टोटल इन्वेस्टमेंट 60,000 माइनस स्क्रैप वैल्यू 8,000 डिवाइड बाय टू, क्योंकि मैंने बताया यहाँ पर टू से डिवाइड होगा, प्लस स्क्रैप वैल्यू को दोबारा ऐड किया एंटर दबा दें, तो हमें एवरेज इन्वेस्टमेंट मिल गई 34,000। तो अब हमें एवरेज प्रॉफिट्स भी मिल गया और एवरेज इन्वेस्टमेंट भी मिल गई। अब हम यहाँ पर अपना एआरआर का फॉर्मूला लगाते हैं, मैं यहीं पर आपको लेकर निकाल के दिखा रहा हूँ फॉर्मूला कैसे लगाएंगे। इक्वल टू हाउ मच इज द एवरेज प्रॉफिट, 64 है, ठीक है। आप इसको भी ब्रैकेट में लिखते हैं, ब्रैकेट हमें थोड़ा सा सिंपल कर देते हैं चीजों को। डिवाइड बाय क्या है, एवरेज इन्वेस्टमेंट, एवरेज इन्वेस्टमेंट हमारा कितना है, 34,000, सॉरी 34, ये देखिए इसको दोबारा पुट करते हैं। ऐसी ऐसी प्रॉब्लम आपके साथ भी होगी। इक्वल टू लेट से ब्रैकेट पुट किया, एवरेज प्रॉफिट्स डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट, ब्रैकेट क्लोज, इनटू क्या है 100, क्योंकि हम परसेंटेज में निकालते हैं, इनटू 100 करते हैं, एवरेज प्रॉफिट अपॉन एवरेज इन्वेस्टमेंट इनटू 100। तो देखिए आपका आंसर आ गया 18.824। तो ये हमारा परसेंटेज में आंसर है, आप चाहें तो यहाँ जाके परसेंटेज में चेंज कर सकते हैं, पर ये देखिए ये परसेंटेज में, तो अब ये परसेंटेज में क्या हुआ, 18.82 हो गया। तो ये आपने इनटू 100 कर दिया था ना, तो आपको दोबारा परसेंटेज में जाने की जरूरत नहीं है, आप इसको नॉर्मल परसेंटेज में ही आपका आंसर आएगा। लेकिन कई बार क्या होता है, अब कुछ लोग क्या करते हैं, इक्वल टू लगा के इनटू 100 नहीं करते, तो वो क्या करते हैं, 6400 डिवाइड बाय लेट्स से 34,000, तो ये 18.82 आ गया, 0.1882। तो आप जब परसेंटेज में कैसे कर सकते हो, यहाँ पर गए और परसेंटेज कर दिया, तो ये 18.82 ऐसे भी दिख रहा है।
वरना आपका आंसर ये भी आ रहा है, तो into 100 कर दोगे तो डायरेक्टली आपको आंसर मिलेगा, ठीक है। और अगर आपने नॉर्मल into 100 नहीं किया, आपने सिंपल डिवाइड किया और बाद में फिर यहाँ से परसेंटेज में कन्वर्ट कर दिया, तो आपको परसेंटेज में वैल्यू मिल जाएगी। तो ये प्रोसीजर है टू कैलकुलेट ARR। प्लीज रिमेम्बर, जैसे भी जब हमने यहाँ फॉर्मूला लगाया था तो पहले वो एक डायलॉग बॉक्स अपीयर हुआ था कि ये एरर है, ब्रैकेट आ रहा है, तो प्लीज अब चेक करना कहीं आपसे गलती से दूसरा सेल तो सिलेक्ट नहीं हो गया है। बट प्रोसीजर जो है करने का यही है, चाहिए 18.824, ये भी आपका आंसर है। और अगर आप परसेंटेज यहाँ से कन्वर्ट करना चाहें तो यहाँ से भी कर सकते हैं। तो दिस इज द बेस्ट फॉर्मूला ऑफ ARR कैलकुलेशन इन एक्सेल, और ये क्वेश्चन आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर देगा। अभी आप आगे वाली वीडियोस में कैपिटल बजटिंग की और एक्सेल एप्लीकेशन चेक करेंगे, तो प्लीज लुक आउट फॉर ऑल द वीडियो। थैंक यू वेरी मच।